यहाँ पे देखो मोबाइल के अंदर इसका परफॉर्मेंस 97% एंड डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे देखे तो 98 देखो गाइस, ए ग्रेड परफॉर्मेंस 100%। सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आपने थंबनेल के ऊपर तो देख लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 ऐसी फास्ट लोडिंग वाली ब्लॉगर टेम्पलेट के बारे में बताने वाला हूँ कि जिस टेम्पलेट को आपने कभी भी नहीं देखा होगा। जी हाँ गाइस, ये जो मैंने 5 टेम्पलेट के बारे में बताया है वो फास्ट लोडिंग वाली टेम्पलेट है, SEO फ्रेंडली है, मोबाइल फ्रेंडली है गाइस, बहुत ही रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स है, ठीक है गाइस। एंड ये जो टेम्पलेट है ब्रांड न्यू है गाइस, आपने कभी भी नहीं देखा होगा। एंड मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि इसका लोडिंग स्पीड कितना है, वो सब कुछ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एंड इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको यहाँ पे GT मैट्रिक्स और पेज स्पीड इनसाइड के अंदर इन दोनों की स्पीड भी दिखाऊंगा। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 5 ऐसी फास्ट लोडिंग वाली ब्लॉगर टेम्पलेट के बारे में बता देता हूँ। एंड गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है गाइस। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने अभी कल ही एक वीडियो डाला है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर डेली 10,000 प्लस वेबसाइट ट्रैफिक कैसे ला सकते हो, आप ये वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड गाइस आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो गाइस, यहाँ पे हम डेली न्यू अपडेट्स डालते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 5 ऐसी फास्ट लोडिंग वाली ब्लॉगर टेम्पलेट के बारे में बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा टेम्पलेट नंबर 1 है ये गाइस, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। टेम्पलेट नंबर 1 है ये हमारा तकीज थीम ब्लॉगर टेम्पलेट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉगर टेम्पलेट है एंड मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसका डेमो के ऊपर हम लोग ऐसे ही क्लिक करता है, ये डेमो हमारे सामने ओपन हो चुका है। एंड हम आपको इसकी स्पीड भी दिखाएंगे, ये डेमो ओपन हो चुका है। तो देखो गाइस ये है, इसकी लिंक को हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं। एंड यहाँ पे पेज स्पीड इनसाइड एंड GT मैट्रिक्स के अंदर मैं आपको इनका जो डेमो है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने लिंक को पेस्ट किया, सॉरी गाइस, हाँ परफेक्ट, लिंक को पेस्ट किया एंड यहाँ पे हमने कर दिया। एंड यहाँ पे भी हम लिंक को पेस्ट कर देता है, अभी पेस्ट करता है। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे एनालिस के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। एंड देख सकते हो गाइज ये हमारा फर्स्ट टेम्पलेट है हमारा तकीज थीम। आप देख सकते हो यहाँ गाइज प्रोफेशनल, यहाँ पे हम लगा सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो लोगो है वो आ जाएगा, यहाँ पे एक ऐड चल रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे हम दो दो ऐड लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा पोस्ट है एंड मैं आपको पोस्ट को ओपन करके भी दिखा दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो पर्सनल यहाँ पे। एंड नीचे यहाँ पे एक सब्सक्राइब आपको वो भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐड भी आ जाएगा एंड गाइज यहाँ पे बड़ा सा कॉपीराइट वाला आ रहा है, ठीक है। एंड मैं आपको अभी एक पोस्ट को ओपन करके दिखा देता हूँ। पोस्ट ने यहाँ पे मैं आपको ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। पोस्ट को ओपन करने के बाद ये जो यहाँ पे दोनों रहेगा तो आपकी अर्निंग अच्छे से होने ही वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे ये भी रहेगा, ठीक है, साइड बार वो सब कुछ आप देख सकते हो। टेम्पलेट नंबर 1 हमारा था टकीज, ठीक है। तो देखो गाइज अभी भी इसकी स्पीड कितनी है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे GT मैट्रिक्स का डाटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस ए ग्रेड 100% है। यहाँ पे पेज स्पीड इनसाइड के अंदर हम चलते हैं तो देखो गाइस ये अभी यहाँ पे पूरा लोडिंग हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो 88% का मोबाइल परफॉर्मेंस है गाइस, ठीक है। मोबाइल के अंदर 88% इसका परफॉर्मेंस है, डेस्कटॉप के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो 99%। जो 88% जो परफॉर्मेंस है बहुत ही हाई होता है गाइस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको और थोड़ा सा कम करना है इसका मोबाइल का जो लोडिंग स्पीड है परफॉर्मेंस स्पीड, तो आप यहाँ से जावास्क्रिप्ट जो है इसकी थोड़ी सी निकाल सकते हो तो ये स्पीड और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारा टेम्पलेट नंबर 1 था टकीज, तो अभी और नेक्स्ट टेम्पलेट के अंदर चलते हैं, ठीक है गाइस। तो चलो अभी नेक्स्ट टेम्पलेट के अंदर चलते हैं। तो नेक्स्ट टेम्पलेट है हमारा टीच शैडो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आप कहाँ से कर सकते हो, तो आपको क्या करना है कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा एंड जाके आप टेलीग्राम के अंदर सर्च भी कर सकते हो Helper GD। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाला लोगो आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे ये जो पोस्ट थी डेली 10,000 प्लस वेबसाइट ट्रैफिक उसके नीचे हमने यहाँ पे डाला हुआ है टॉप 5 फास्ट लोडिंग ब्लॉगर टेम्पलेट लिंक, यहाँ पे क्लिक दिया हुआ है। लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड आपको यहाँ पे करना है कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक। कॉन्टैक्ट अस गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है अपनी वेबसाइट में, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए मेरे से तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे लोगों के बाजू में जो यहाँ पे आ रहा है आपको यहाँ पे SEO के ऊपर क्लिक कर देना है। आप SEO के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो आया है टॉप 5 फास्ट लोडिंग ब्लॉगर टेम्पलेट, आपको वहाँ पे एक बार क्लिक करना है, ये पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ से जो भी टेम्पलेट डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर सकते हो, डेमो देखना है वो डेमो देख सकते हो। तो आइए अभी हम बाकी जो 4 टेम्पलेट है उसका डेमो आपको दिखा देते हैं। तो हमारा टेम्पलेट नंबर 2 था टीच शैडो, उसका हम आपको डेमो और वो सब कुछ दिखा देते हैं। डेमो के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखो गाइस इसका डेमो कितना है, टीच शैडो demo.blogspot.com। हम इसकी लिंक को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं GT मैट्रिक्स के अंदर एंड पेज स्पीड इनसाइड के अंदर। यहाँ पे हम इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको एंटर करते हैं, ठीक है गाइस। इसको देखते हैं एंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका स्पीड कितना है। तो यहाँ पे मैंने इस लिंक को यहाँ पे पूरा रिमूव करके यहाँ पे वो लिंक डाल दिया एंड यहाँ पे हम इसकी स्पीड को भी टेस्ट करते हैं। एंड गाइस देखो
यहाँ पे ये आपको टेम्पलेट कुछ ऐसा दिखाई देगा, टी शेडो जो सेकंड नंबर का टेम्पलेट था, टी शेडो ये वाला, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे एक आपका जो ऐड है वो चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनिमेशन जो हो रहा है बहुत ही ऑसम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब बॉक्स मिल जाएगा जो कि सबसे ऊपर है, यहाँ पे आपको ये स्टिकी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो सोशल मीडिया आइकन आइकन रहेगा, आपकी पोस्ट कुछ ऐसे दिखाई देगी एनिमेशन वाला कुछ, और यहाँ पे माउस आ रहा है देखो गाइस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका सर्च बार है, साइड बार है, देखो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पे एक पोस्ट को मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, पोस्ट को, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओपन किया, ये देख सकते हो यहाँ पे एक ऐड चलता रहेगा, यहाँ पे आप एड्स भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखो गाइस बहुत ही अच्छे से ये दिख रहा है, एंड कमेंट भी बहुत अच्छे से दिख रहा है, एंड साइड बार भी है, ठीक है। तो देखो गाइस हमारा सेकंड था टीच शैडो, ठीक है। एंड अभी इसका परफॉर्मेंस कितना है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अभी लोडिंग हो रहा है, पेज पे इनसाइड के अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखो ये अभी लोडिंग लोडिंग हो चुका है। यहाँ पे देखो मोबाइल के अंदर इसका परफॉर्मेंस 97% है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल के अंदर इसका 97% परफॉर्मेंस है। एंड डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे देखे तो 98% है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है ये टीच शैडो भी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे देखो गाइस ए ग्रेड परफॉर्मेंस 100% है, ठीक है। तो गाइस ये भी बहुत ही अच्छा वाला टेम्पलेट है, आपको इसे डाउनलोड करना है तो इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं अभी हमारे तीसरे टेम्पलेट की तरफ। तो तीसरा हमारा टेम्पलेट है रिसाइजेबल थीम लॉगर टेम्पलेट तीसरा। तो हम इसका यहाँ पे आपको डेमो दिखा देते हैं, यहाँ पे हम डेमो के ऊपर क्लिक करते हैं। एंड जिसको भी डाउनलोड करना है वो डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर सकता है। डेमो के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया है, इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे, एंड इस लिंक को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर कर देते हैं। जीटी मैट्रिक्स के अंदर भी हम यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करके एक एंटर कर देते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। एंड यहाँ इसका लुक आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर लोगो आएगा, एंड बाजू में जो एक ऐड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी पूरा एनिमेशन के साथ यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सब कर सकते हो, यहाँ पे एक सर्च आ जा रहा है, यहाँ पे आप ईमेल वाला सब्सक्राइब बॉक्स यहाँ पे भी आ जा रहा है। यहाँ पे आपकी पोस्ट कुछ ऐसा दिखाएगी लेटेस्ट पोस्ट, यहाँ पे साइड में जो साइड बार है यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो यार 1 2 3 4 125 × 125 की चार एड्स एक साथ यहाँ पे आ रही है। एंड यहाँ पे एक लंबी सी एड आ रही है 120 × 600 की, ठीक है। एंड नीचे आप देख सकते हो ऐसा कोई बॉक्स आ जा रहा है जो कि इस थीम को ऑसम लुक दे रहा है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक थीम को एक सॉरी एक पोस्ट को ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टिकी रह रहा है, इसलिए आपको ऐड तो अच्छा सॉरी गाइस आपको अर्निंग तो अच्छी खासी होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे नीचे भी कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट वाला आ रहा है, तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली है, रिस्पॉन्सिव भी है सभी टेम्पलेट, यहाँ पे आप देखो। एंड अभी देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कितना है। तो देखो पेज स्पीड इनसाइड के अंदर ये लोड हो चुका है, एंड हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मोबाइल के अंदर ये 84% परफॉर्मेंस दे रहा है, एंड इसे आप कम भी कर सकते हो गाइस। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है थोड़ी सी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, देखो गाइस सर्वर इमेज आप चेंज करोगे और वो सब कुछ आप थोड़ा सा जावा आप थोड़ी सी आपको HTML लैंग्वेज आती है, तो आप यहाँ पे जैसे ही करोगे तो ये इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड डेस्कटॉप के अंदर ये 97% परफॉर्मेंस है। GT मैट्रिक्स के अंदर आप देख सकते हो ए ग्रेड 100% इसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारे फोर्थ टैबलेट की तरफ। तो फोर्थ टैबलेट है हमारा मैगिंटो ब्लॉगर टेम्पलेट, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसका डेमो आपको दिखा देता है, ठीक है। तो डेमो के ऊपर हमने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी लोड हो चुका है। इस लिंक को यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, लिंक को यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे भी हम इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं, देखो गाइस इसका भी परफॉर्मेंस हम आपको दिखा दें। एंड देखो गाइस ये टेम्पलेट भी एकदम ऑसम है, यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर हम आपका लोगो आएगा, ये ऐड चलेगा। यहाँ पे भी आपका जो आप लगा सकते हो, यहाँ पे एक सर्च बार आ चुका है, फॉलोअर आ चुका है, यहाँ पे आपको एक में दो पोस्ट ऐसे कुछ दिखाई देगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे सबसे नीचे आपको चार जो होता है वाइड वो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऐड चला सकते हो, यहाँ पे भी है। आपको एक पोस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इस पोस्ट को ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका भी ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है। इसका लोगो वोगो आप लगाओगे सॉरी कोई इमेज डालोगे वो भी बहुत अच्छे से दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे शेयर करने का आइकन भी दिखाई दे रहा है, एंड जो सब्सक्राइब मेल है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है गाइस, यहाँ पे हम आपको दिखा देता हूँ इसका परफॉर्मेंस। यहाँ पे लोड हो चुका है, एंड देखो मोबाइल के अंदर ये 73% परफॉर्मेंस दे रहा है, एंड डेस्कटॉप के अंदर ये 98% परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड यहाँ पे चलते हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, मैं आपको दिखाता हूँ GT मैट्रिक्स के अंदर। तो देखो गाइस GT मैट्रिक्स के अंदर भी ये ए ग्रेड 100% परफॉर्मेंस है दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो चलते हैं अभी हमारे पांचवे और लास्ट टेम्पलेट की तरफ। तो देखो गाइस आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। तो देखो हमारा लास्ट टेम्पलेट जो है उसका नाम है फास्ट एडिशन ब्लॉगर टेम्पलेट, ये भी बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है। हम इसका भी आपको डेमो दिखा देते हैं, डेमो के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया, एंड इसकी लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे चलेंगे,
एंड यहाँ पे भी हम इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं, इसका भी परफॉर्मेंस आपको दिखा देता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी एंटर। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे भी ये लोड हो चुका है पूरा। यहाँ पे सबसे ऊपर ये आपको कुछ ऐसा दिखा देगा, एक बॉक्स के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा एंड पीछे एक थीम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको चार वाइट दे रहा है एंड यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा सबसे ऊपर नीचे आने का। यहाँ पे फास्ट एडिशन आपका जो लोगो आ जाएगा, यहाँ पे एक ऐड भी आ जाएगा मेरे शायद। हाँ गाइस, ऐड आएगा कि नहीं देख लेते एक बार। नहीं गाइस, ऐड आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आप जब इसे करोगे तब दिखाई देगा आपको, एक ऐड आएगा। यहाँ पे आपका सर्च बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे वो सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे शेयर आइकन आ रहा है, यहाँ पे बाय साइड बाजू में। ठीक है गाइस, ये बाजू में साइड वाला एंड यहाँ पे पोस्ट को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो पोस्ट को ओपन करने के बाद ये कुछ बॉक्स के अंदर ही सब कुछ रहेगा। ठीक है, पोस्ट को ओपन करने के बाद आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा एंड यहाँ पे भी आपको सॉरी गाइस मेल वाला वो ऑप्शन दिया गया है। एंड अभी हम देखते हैं इसका जो स्पीड है वो कितना है। तो पे स्पीड इनसाइड के अंदर ये पूरा लोड हो चुका है अभी एंड यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो 63% परफॉर्मेंस है इसका एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रिड्यूस जावास्क्रिप्ट को आपको थोड़ी सी रिड्यूस करनी होगी। यहाँ पे ये जो डाला हुआ है ना फेसबुक शेयर बटन और वो सब थोड़ा सा ज़्यादा हाई लोड ले रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस लो है। 63% इसकी मोबाइल परफॉर्मेंस है एंड डेस्कटॉप के अंदर ये 94% है। तो GT Max 6 में आप देखोगे तो ए ग्रेड एंड 100% परफॉर्मेंस है गाइस। ठीक है, तो मैंने अभी आपको पाँचों के पाँच जो टेम्पलेट थी वो बता दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है गाइस, गाइज आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट आपको एंड आपको गाइज डाउनलोड करना है इन टैंपलेट को। तो मैंने आपको बताया कि डाउनलोड कैसे करना है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक के ऊपर जैसे क्लिक करोगे फिर आपको कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको SEO के ऊपर क्लिक करना है एंड आप यहाँ से सीधा पहुँच जाओगे। ठीक है, SEO के ऊपर क्लिक करोगे नहीं, आपको ये टाइटल के ऊपर क्लिक करना है, टॉप 5 फास्ट ब्लॉगर टैंपलेट। ठीक है गाइज, तो गाइज आप बस इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो तो आप ये वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।